Okay, good morning students, all of you. Welcome in Anand Coaching Classes. I'm Anand sir, your chemistry teacher. We are learning here basic chemistry, जिसमें से कुछ पढ़ा में periodic table के बारे में या first lecture देखा था आपने यहाँ पे chemistry के कुछ basic चीजें जो पढ़ी थी. आज हम कुछ basic chemistry पढ़ने वाले जो आपको पूरी chemistry में यहाँ पे काम आने वाली है. तो ये बेसिक थिंग्स क्या है शेयर. आपने अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल टू अनंत कोचिंग क्लासेस. सपोर्ट टू अस. हर एक का एक एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही वैल्यूएबल है एंड यू आर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर आवर वैल्यूएबल स्टूडेंट्स. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच हियर एंड all of you keep in mind here this basic things is a very important in your whole of the chemistry. jitna bhi aap chemistry padhoge usme sab mein aapko ye kya hone wala hai kaam aane wala hai. So let's start here chemistry. isme se aaj ka jo topic hai today's topic here various radicals writing the formula of substance using criss-cross method. hum kya padhenge yahan pe criss-cross method padhenge. to criss-cross method kya hota hai dekho आपके कुछ फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले कुछ आपको याद नहीं होते कहाँ पे एन फैक्टर निकालना है क्या करना है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती नहीं है. तो हमें जानना पड़ेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है. वेरियस फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं जैसा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो या आयनिक कंपाउंड हो ये फॉर्मेशन करने हैं. जैसा लेवी स्ट्रक्चर से भी कुछ फॉर्मूले बनते हैं. एनी कंपाउंड्स के फॉर्मूले जो है कैटायन एनायन है तो उनके थ्रू उनका वैलेंसी क्या है ये पता होना चाहिए. इसे वैलेंसी क्या है इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या है वो आपने लास्ट लेक्चर में देख लिया है. लेट्स स्टडी हियर अबाउट द फॉर्मूलेज हाउ टू राइट द फॉर्मूला वेरियस रेडिकल्स एंड द फॉर्मूला राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिडिक बेस एंड सॉल्ट. ऑर्गेनिक के लिए हम अलग देखेंगे लेवी स्ट्रक्चर वहां पे यूज करेंगे कुछ अलग मेथड यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए. वी आर लर्निंग फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सी इनऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स और कैटाइंस. इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से एसिड बेस या सॉल्ट इनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके समझ में आ रहा है सबको स्टूडेंट्स. ओके इज इट क्लियर टू ऑल. जैसे कि एसिडिक एसिड्स बेस एंड सॉल्ट पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स या उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल या इसको बोलेंगे कैटायन यानी कि इनके ऊपर चार्ज जो होता है जैसा कि एनए प्लस है क्या है पॉजिटिव चार्ज. कौन सा चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा. या इनको बोलते हैं हम लोग कैटायंस. और नेक्स्ट जो है नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स नेगेटिव चार्ज या इनको बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल्स दे आर नोन एज इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल्स या इनको बोलेंगे ये बेसिक रेडिकल्स है और ये क्या हो गया एसिडिक रेडिकल्स. याद रखना बेसिक रेडिकल ऐसे होते हैं पॉजिटिव और एसिडिक रेडिकल यानी के निगेटिव इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल्स को हम क्या बोलेंगे एसिडिक रेडिकल या इनको बोलेंगे एनायन. गेटिंग इट्स क्लियर सबको. पॉजिटिव चार्ज रेडिकल निगेटिव चार्ज रेडिकल इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल्स या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो निगेटिव रेडिकल्स बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल मोस्ट यहाँ पे कैटायन या एनायन ये होंगे. जैसा एसिड एच सी एल एन एच प्लस सी एल माइनस एच प्लस है क्या हो गया बेसिक रेडिकल Cl- माइनस है तो क्या हो गया NaCl सॉल्ट है सॉल्ट में से Na प्लस और Cl- माइनस है पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलेंगे कैटायन नेगेटिव आयन को क्या बोलेंगे हम एनायन. ओके क्लियर है यस. ओके व्हेनेवर यू नेसेसरी यू कैन टेक दैट स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन इन नोटबुक यूर या आपको वीडियो पॉज करके वहां पे लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. जैसे आपको लिखना है तो वहां पे वीडियो पॉज करो. स्टूडेंट्स सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो यूज द ईयरफोन सो यू विल नॉट बी डिस्टर्ब टू द अदर्स. ओके फॉर एग्जांपल NaCl Na प्लस और Cl माइनस है Na प्लस कौन है यहाँ पे कैटायन Cl माइनस क्या हो गया एनायन. अनदर एग्जांपल सी NH4 Cl NH4 प्लस पॉजिटिव आयन है
इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल, सीएल माइनस जो है कैसा है नेगेटिव आयन, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिव रेडिकल, दैट इज एन आयन। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बेसिक रेडिकल इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज और एसिड रेडिकल इन अ मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल लिया, सामने NH4Cl लिया, NH4 प्लस एक पॉजिटिव आयन है और दूसरा कौन सा नेगेटिव आयन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। NH4 प्लस पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 है। NH4Cl, Cl के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा नेगेटिव चार्ज। मीन एटम में इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऐसा मॉलिक्यूल भी के लिए ऐसा होता है, मॉलिक्यूल भी कैसा रहेगा न्यूट्रल होगा। मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन बेसिक रेडिकल इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एसिडिक रेडिकल इन अ मॉलिक्यूल। एग्जांपल BSO4, यहाँ पे BM, यहाँ पे BA जो है BA के ऊपर क्या होगा प्लस टू चार्ज और SO4 जो उसके ऊपर क्या होगा माइनस चार्ज। यानी BA कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, SO4 2 माइनस ये क्या है नेगेटिव रेडिकल, मतलब क्या है ये एसिडिक रेडिकल है, राइट। BA इज अ बेसिक रेडिकल, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव BA2 प्लस क्या बनेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, SO4 2 माइनस क्या होगा नेगेटिव रेडिकल। यानी BA के ऊपर चार्ज कितना है प्लस टू है, SO4 के ऊपर चार्ज कितना है माइनस टू है। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना क्या होगा नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या होगा जीरो। इन राइटिंग द फॉर्मूला पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल मस्ट बी टेकन इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर वैलेंसीज, इसी को हमने नाम दिया है क्रिस क्रॉस मेथड। इन राइटिंग द फॉर्मूला पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल मस्ट बी टेकन इन इनवर्स, मीन जो SO4 2 माइनस है टू उसके ऊपर टू चार्ज है, BA 2 है, तो उनको हम क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी कि BA कितना होगा 2, SO4 भी कितना होगा 2, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 क्या कैंसिल होता है, तो बनता है फॉर्मूले का BA SO4। स्टेप हियर टू राइट द फॉर्मूला, फर्स्ट राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल, जैसा कि लेफ्ट हैंड साइड बेसिक रेडिकल लिखना है, राइट हैंड साइड क्या लिखना है आपको एसिडिक रेडिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बेसिक रेडिकल कहाँ पे होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, एसिडिक रेडिकल कहाँ पे होने चाहिए राइट हैंड साइड। ओके क्लियर हो रहा है सबको बराबर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यस। नेक्स्ट देखो, एंक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन अ ब्रैकेट, एंक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन अ ब्रैकेट, कंपाउंड रेडिकल से कि SO4 है कंपाउंड है, सिंगल नहीं ना वो कंपाउंड है, तो कंपाउंड रेडिकल उसको क्या करना ब्रैकेट, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर हम क्या देख सकते हैं SO4 2, एंक्लोज कंपाउंड। सॉरी यहाँ पे नेटवर्क कुछ इश्यू जो चल रहा है मॉर्निंग से, दैट्स व्हाई गेटिंग प्रॉब्लम, सो आई डिसाइडेड टू गिव यू वीडियो लेक्चर। सो एंक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन अ ब्रैकेट, नेक्स्ट पॉइंट, राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप, जो भी वैलेंसी है, सके सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी कितना, सॉरी सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है 2, यानी ये जो वैलेंसी है उसके कहां पे लिखो टॉप पे लिखो राइट हैंड टॉप। शेप नंबर 4, रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल्स टू सिंपल रेशियो, जैसा कि आपको मिला एक का वैलेंसी 4 है एक का वैलेंसी 2 है, तो उस रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बना सकते हैं ना, 2:4 कितना होगा 1:2, तो सिंपलेस्ट रेशियो में इसको क्या करो कन्वर्ट करो, रिड्यूस वैलेंसी न्यूमेरिकल टू सिंपल रेशियो। ओके नेक्स्ट, क्रिस क्रॉस द वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी जो हमें क्रिस क्रॉस करना है, आपके एग्जाम्पल लेके आगे दिखाऊंगा, क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस मतलब जिसका नेगेटिव जो एनायन है उसका वैलेंसी किसको, इसका वैलेंसी नंबर किसको आएगा कैटायन को, कैटायन का वैलेंसी नंबर किसको आएगा एनायन को आएगा, समझा। ओके एग्जाम के थ्रू हम लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लो, इफ यू नीड द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दिस। एग्जाम्पल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, आपको पता है क्या फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है किसी को मालूम भी होगा, इसको मालूम नहीं कि देखो कैसा फॉर्मूला बनाने का है, ये कुछ अपने 9 स्टडी में कुछ मेथड आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये बेसिक अभी केमिस्ट्री है, आप एंट्रेंस के एग्जाम देने वाले हैं तो वहां पे आपको क्या करना है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। पूरी केमिस्ट्री पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन फॉर्मूले उनको कुछ आते नहीं है, ऐसा भी है, इसलिए बेसिक चीजें आपको क्लियर नहीं हुई इसलिए वो प्रॉब्लम्स होते हैं,
तो ये बेसिक चीज आपको करो, क्लियर करो। इससे फायदा क्या होगा आपका, जो भी इतनी भी कभी फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आती है तो आप फॉर्मूला खुद बना सकते हो। ये राइट देखो स्टेप नंबर वन क्या बोल, राइट सिंबल ऑफ रेडिकल्स। सिंबल कौन, कैल्शियम और क्या नाइट्रेट है, तो आपको कैल्शियम मालूम होना चाहिए, नाइट्रेट मालूम होना चाहिए। कैल्शियम का CaNO3, नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप नंबर टू, एंक्लोज कंपाउंड रेडिकल इन अ ब्रैकेट। यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल कौन है, NO3 है, इसको क्या करो ब्रैकेट में लिखो, लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, राइट द वैलेंस ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप। राइट हैंड टॉप दोनों का राइट हैंड टॉप वहां पे उनका वैलेंस लिखो। CA का वैलेंस शीट ना, व्हाट इज द वैलेंस ऑफ CA, कैल्शियम का वैलेंस शीट बताए आपको कितना है, कितना होता है 2, कितना होगा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। प्लस लिखो NO3 का कितना है, 1 है, तो ये 2 और 1, NO3 का -1 है और CA का कितना +2 है। ये CA कैसा है, कैटायन है, NO3 कैसा है, एनायन है। ओके क्लियर है यहाँ तक सबको, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, इज इट क्लियर? ओके यस लेट्स गो अहेड। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, रिड्यूस द वैलेंस न्यूमेरिकल टू सिंपल रेशियो। अभी 2 और 1 का सिंपल रेशियो क्या आने वाला है, व्हाट इज द सिंपल रेशियो ऑफ 2 एंड 1, 2:1 ही आएगा ना, उसके साथ दूसरा कोई आने वाला क्या नहीं है, तो 2:1 ही रहेगा, 1 से ही कैंसिल होगा, दूसरे नंबर से कोई कैंसिल होने वाला नहीं है। सब मान लो यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 1 3 2 6 हम कर सकते हैं, 4 और 8 है तो 4 1 4 2 8 हो सकता है, 2 और 4 है 2 1 2 2 4 हो सकता है, बराबर। मीन्स यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो तो यही है इनका, राइट, सो नॉट एप्लीकेबल बिकॉज रेशियो इज ऑलरेडी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, स्टेप नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्रीज कॉस द वैलेंसी। मीन्स NO3 का वैलेंसी 1 है और CA का वैलेंसी 2 है, तो क्रॉस क्रॉस करो, 1 यहाँ पे CA के दो और 2 किसको दो, NO3 को, तो बनेगा क्या देखो, CA 2 प्लस है, NO3 माइनस है, क्रीज कॉस करना मतलब 2 को NO3 के बेस में लिखना है, 1 को कहाँ पे लिखना है, 1 को कहाँ पे लिखना है, CA के बेस में। समझ में आ गया? ओके देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, CA 1 है तो लिखा नहीं जाता, और NO3 2, ये बन गया आपका कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला। एकदम क्लियर है सबको? यस ओके इज इट क्लियर ना, सबको क्लियर है? ओके इफ यू नीड स्क्रीनशॉट यू कैन टेक दिस। ओके नेक्स्ट राइट इन द फॉर्मूला बेरियम नाइट्रेट, क्या लिखना है, बेरियम नाइट्रेट का, बेरियम का फॉर्मूला आपको मालूम है Ba है, एन नाइट्रेट का NO3 अभी आपने देखा, दोनों को पहले लिख दो, राइट सिंबल ऑफ रेडिकल्स Ba और NO3 है। नेक्स्ट राइट एंक्लोज द ब्रैकेट, किसको ब्रैकेट देना है, कंपाउंड रेडिकल को, यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल कौन है, Ba या NO3 कौन है यहाँ पे बोलो, NO3 राइट, क्या होगा यहाँ पे, NO3 इज Ba और ये हो गया NO3। अब इनको हमें क्या करना है, वैलेंसी, वैलेंसी पता है आपको Ba का वैलेंसी कितना होता है, वैलेंसी ऑफ Ba, राइट द टॉप ऑफ वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल एट द टॉप ऑफ द राइट देयर राइट हैंड टॉप, राइट हैंड टॉप Ba 2 हो गया, NO3 का -1, Ba 2 प्लस लिखो, NO3 -1। इसके बाद अभी क्या करना है आपको, इसके बाद सिंपल रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने का है, 1 और 2 का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनेगा, तो ये नॉट एप्लीकेबल लिखोगे यहाँ पे। फिर दूसरा जो स्टेप है क्रिस क्रॉस कर दो, इसको क्रिस क्रॉस वैलेंसीज Ba 2 है, NO3 माइनस है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो बनेगा NO Ba 1 और NO3 2, Ba 1 और NO3। ओके ये बन गया इसका फॉर्मूला, ये 1 लिखा नहीं आता तो आप डायरेक्टली Ba NO3 ट्वाइस करके ले सकते हो। ओके ले लिया, स्क्रीनशॉट आपको लेना है ले लो। ओके समझ में आ रहा है सबको बराबर, अभी दो एग्जाम्पल में कुछ क्लैरिटी आ गई आपको? ओके यस लेट्स सी द नेक्स्ट वन, एडिंग फॉर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम वैलेंस आपको पता है फॉस्फेट का PO4, राइट सिंबल CA और PO4, सिंबल के बाद क्या लिखना है बोलो, सेकंड स्टेप क्या बोल रही है, राइट देयर कौन है यहाँ पे, कंपाउंड रेडिकल कौन है, PO4 कंपाउंड रेडिकल, क्या करो ब्रैकेट डाल दो, कंपाउंड रेडिकल को ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या लिखो, एट द राइट टॉप,
राइट टॉप पे क्या लिखना है, वैलेंसी। यस राइट, वैलेंसी क्या लिखो, वैलेंसी लिखो। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल ऑन देयर राइट हैंड टॉप। ये लिख दिया, PO4 के लिए भी लिख दिया। PO4 वैलेंसी कितना है यहाँ पे, 3 है। PO4 3 माइनस है, 3 इज अ ट्राइवेलेंट है। CA इज अ डायवेलेंट, मोनोवेलेंट डायवेलेंट ट्राइवेलेंट होते हैं। मोनोवेलेंट डायवेलेंट, मोनो पॉजिटिव मोनो नेगेटिव, डाय पॉजिटिव डाय नेगेटिव, और ट्राई पॉजिटिव और ट्राई नेगेटिव। सही है, ट्राइवेलेंट है, ट्राई नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप, डू यू नो व्हाट इज द स्टेप, नेक्स्ट स्टेप सिंपलेस्ट रेशियो। टू और थ्री का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनेगा, टू और थ्री का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बनता है, 2:3 बनेगा। कोई इसको डिवाइड कर सकता है, टू और थ्री कोई नंबर में है डिवाइड करने के लिए यहाँ पे, नहीं है, तो सिंपल रेशियो तो वही तो बनेगा, टू नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद अभी क्रिस क्रॉस करना है, क्रिस क्रॉस कर दो, क्रिस क्रॉस क्या बनेगा, क्रिस क्रॉस वैलेंसीज टू और थ्री में देखो सी ए और पी ओ फोर, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे सी ए थ्री और पी ओ फोर टू, सी ए थ्री और पी ओ फोर टू। ओके, ये हो गया आपका फॉर्मूला सी ए थ्री पी ओ फोर ट्वाइस। रीड कैसा करेंगे, सी ए थ्री पी ओ फोर ट्वाइस, समझ में आ गया, या सी ए थ्री पी ओ फोर टू, सी ए थ्री पी ओ फोर ट्वाइस, यानी कि यहाँ पे ट्वाइस, यानी कि पी ओ फोर कैसा दो बार है, सी ए कितना थ्री टाइम्स है, सी ए थ्री पी ओ फोर ट्वाइस। सोडियम सल्फेट, सोडियम वैलेंसी एन ए वन, सल्फेट का एसओ फोर टू माइनस, राइट, दोनों का बैलेंसी लिख दिया यहाँ पे देखो, एन ए वन है एसओ फोर टू है, तो एन ए टू एसओ फोर फॉर्मूला बनेगा। सबको क्लियर है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पीड में ले रहा हूँ आपको, अभी आपको क्लियरिटी आई होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी है, क्रिस्टल क्लियरिटी बोलते हैं उसको, जब समझ में आता है अच्छे से 100% क्लियर होता है तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर। फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट क्या बनेगा, एन ए टू एसओ फोर, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एन ए टू एसओ फोर। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड, अभी यहाँ पे को कार्बाइड है, कार्बाइड क्या होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड का हमने कॉन्फिगरेशन में लिखा था, याद है सबको, राइट, सिंबल ऑफ रेडिकल्स एल्यूमिनियम, और कौन है यहाँ पे, कार्बन, कार्बन, लेकिन कार्बन नहीं ना, क्या ये कार्बाइड है, कार्बाइड क्या, वैलेंसी क्या होता है, एनक्लोज कंपाउंड रेडिकल यहाँ पे कोई है क्या, कंपाउंड रेडिकल कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे कंपाउंड रेडिकल ब्रैकेट डालने की, चलो सी, चलो सी है तो सी को डाल दो चलेगा, एल एल को डाल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंगल है वो भी सिंगल है, लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द वैलेंसी ऑफ ईच रेडिकल एट द राइट वैलेंसी, एल्यूमिनियम कितना होता है 3, कार्बन का कितना हो गया 4, कार्बाइड है तो कार्बाइड का कितना होता है 4। ओके, अभी इसका सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा क्या, क्या यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो बनेगा, सिंपलेस्ट रेशियो बनने वाला है कि यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 4 कौन सी टेबल में नहीं है, मतलब 3 रहेगा 4 रहेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सी करनी है, फॉलो करनी है क्रिस क्रॉस वाली, क्रिस क्रॉस वैलेंसीज, क्रिस क्रॉस द वैलेंसीज मींस Al3 प्लस और CO4 माइनस। अभी क्रिस क्रॉस क्या होगा, Al4 और C3, ये बन गया फॉर्मूला किसका, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट, एल्यूमिनियम कार्बाइड। ये फॉर्मूला किसके बना, एल्यूमिनियम कार्बाइड, किसके लिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड के लिए फॉर्मूला बन गया। ओके, किसके लिए फॉर्मूला बन गई, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड के लिए फॉर्मूला बना दिया है। समझ में आ गया सबको, यस क्लियर। एक्सरसाइज देखो, सोडियम सल्फेट, सिल्वर सल्फाइड, बेरियम सल्फोफॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, सोडियम बोरेट, इन सब का क्या लिखो, फॉर्मूला लिखना है आपको, क्या लिखना है, फॉर्मूला। सोडियम सल्फेट आप खुद बना के देखो, वीडियो पॉज करके आप खुद को बना के देखो, आपका फॉर्मूला राइट आता है नहीं, खुद ट्राई करो इसके लिए। सोडियम सल्फेट, सिल्वर सल्फेट सल्फाइड, बेरियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सोडियम क्या, बोरेट, इनका क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ओके, देखो
सोडियम थायोफॉस्फेट, सोडियम आर्सेनेट, एल्यूमिनियम कार्बाइड, अमोनियम फॉस्फेट, प्लम्बिक क्लोराइड, पीबी प्लबम, पोटेशियम फेरोसाइनेट्स, इनके हमें क्या करना है, फॉर्मूले आपको लिखना है. ऑल ऑफ यू राइट इट्स एंड मी व्हाट्सएप मी और यू कैन चेक वेरीफाई आफ्टर दिस. मीन्स खुद आप वेरीफाई कर सकते हो वहाँ पे आंसर राइट है क्या रॉन्ग है, या लिखा होगा तो चेक करना है तो मुझे क्या करो, व्हाट्सएप करो, आई विल चेक इट्स एंड रिप्लाई यू इज इट राइट और रॉन्ग. ओके, तो आपको इतने जो 12 एग्जाम्पल दिया, 12 एग्जाम्पल के ऊपर को क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूले आपको लिखने हैं. ओके, कॉमन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल देखो यहाँ पे, ये आपका टेबल यहाँ पे आपको हेल्प करेगा. जैसा कि हाइड्रोजन H प्लस है, सोडियम प्लस है, पोटेशियम K प्लस, Q प्लस है, CU प्लस है. देखो कॉपर के CU होता है, CU प्लस होता है, CU2 प्लस, CU3 प्लस, ऐसे अलग अलग होते हैं जहाँ पे आपको दिख रहे हैं. फेरस के भी देखो Fe प्लस, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस, ऐसे अलग अलग वेरिएबल वैलेंसी मिलेंगी. वेरिएबल वैलेंसी कौन दिखाते हैं, जिनका जो बिलोंग करते हैं किसके, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं अपने डी ब्लॉक, पीरियड टेबल में आप देखा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक वाले जितने भी है सबका वैलेंसी कैसा होता है, वेरिएबल. कभी वो टू दिखाएंगे, कभी वन दिखाएंगे, कभी थ्री दिखाएंगे, कभी फोर दिखाएंगे, इससे उनके वेरिएबल क्या होते हैं, वैलेंसी होते हैं. दिस शोज द वेरिएबल वैलेंसीज. ओके, ये मोनोवैलेंट्स देखो, बहुत सारे मोनोवैलेंट है यहाँ पे, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड्स, हाइड्राइड, साइनाइड, एसीटेट. इसका अभी आपको मैंने एक्सरसाइज दिया टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस. जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पे, इसका भी आप हेल्प ले सकते हो, इसके थ्रू भी आप इसके फॉर्मूले बना सकते हो. क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने वैलेंसी दिया है, इसके नेगेटिव रेडिकल पॉजिटिव रेडिकल दोनों दिया है, टेबल पूरा बना के दिया है, साइनाइड क्या है, एसिड क्या है, सल्फोसाइनाइड क्या है, थायोसाइनाइड क्या है, HCN, नाइट्राइड, नाइट्रेट, बायसल्फाइड, HS माइनस, देखो बायसल्फाइड है, बायसल्फाइट, सल्फाइड HSO3 माइनस, बायसल्फेट यानी कि HSO4, बायकार्बोनेट, बाय H जहां पे आता है बाय होता है, बाय 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 HHHH, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे H इसको हम क्या बोलते हैं, बाय बायकार्बोनेट, क्लोराइड, क्लोरेट, देखो क्लोरेट ClO3 माइनस, हाइपोक्लोराइट ClO माइनस, हाइपोफॉस्फाइट H2PO4 माइनस, मेटा एल्यूमिनेट ClO2 माइनस, पर क्लोरेट ClO4 माइनस, पर मैग्नेट MnO4 माइनस. ये सब क्या है, पूरे के पूरे कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल्स. कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबके सब इसके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है. इस एसोसिएशन कार्बोनेट CO3 2 माइनस, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट जो आपको दिया था अभी एग्जांपल, ऑक्साइड, पेरोक्साइड, डाइकार्बोनेट, ऑक्सीलेट का आपको दिया है यहाँ पे, ऑक्सीलेट जो आपको एक्सरसाइज में दिया है उसको यूज करो वहां पे. देखो वैलेंस शीट का 2 है, ऑक्सीक्लोराइड OCl, यहाँ पे फेरिसाइनाइड्स, फॉस्फेट, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, एल्यूमिनेट, फेरोसाइनाइड्स, ऑक्सीक्लोराइड्स, कार्बाइड, फेरोसाइनाइड्स, पाइरोफॉस्फेट, P2O7. थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है स्टूडेंट्स, हर एक चीज को ट्रिक्स तो होती नहीं है, ट्रिक हर जगह पे काम नहीं आते, शॉर्टकट हर जगह पे काम नहीं आती है. तो आपको यहाँ से टेबल में जितनी भी आपको रेडिकल्स दिए है उसको बाहर करो. क्या करना है, बाहर करो, ये आपको बहुत जगह पे काम आएगा, बहुत जगह. एक चीज आप ऐड करो यहाँ पे, इसके फॉर्मे इतने बनेंगे आप पूरा केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके ऊपर आपको फॉर्मूले की दिक्कत कभी नहीं आएगी. खाली इसको थोड़ा सा मेहनत करके क्या करो, बाय ऐड करो, क्योंकि मगब तो थोड़ी चीज करनी है, ऐसा सब कुछ चीज आपको ट्रिक से लंच तो हो पॉसिबल नहीं है. सो थोड़ा सा इसको बाय ऐड करो, थोड़ी सी मेहनत करो इसके ऊपर और रखो. आपका आगे के जितने भी टॉपिक है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आगे के जितनी टॉपिक है वहां पे फॉर्मूले के बारे में दिक्कत आएगी नहीं आपको. फॉर्मूले पटक से आप बोलेंगे ये फॉर्मूला है, नहीं है तो आप बना के बोलेंगे ये राइट है क्या रॉन्ग है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला राइट है, कौन सा फॉर्मूला रॉन्ग है, ये आप खुद बोलोगे, समझे. इसलिए थोड़ी सी आप मेहनत करो इसके, ओके, करोगे, यस, ओके. राइटिंग नेम ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड के नेम लिखने, जैसा
The electrovalent compound are named by giving the electropositive ion first followed by electronegative ion. मतलब आपको फॉर्मूले लिखने के समय हमने क्या बोला था, पहले फर्स्ट रूल क्या था, पहले कैटायन लिखो फिर एनायन लिखो. मतलब पहले नाम किसका आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, देन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन. ओके, एग्जांपल सीएल, केसीएल. केसीएल यानी कि पहले कौन है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या हो गया, क्लोराइड. K2SO4 पोटेशियम कौन है, यहाँ पे कैटायन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, SO4 क्या है, माइनस है, तो पोटेशियम क्या बन गया, सल्फेट. नेक्स्ट सी BaO, बेरियम Ba और ऑक्साइड. Ca3PO4 ट्वाइस, अभी हमने फॉर्मूला बनाया था इसका, कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम पहले कैटायन, फिर क्या होगा, एनायन का नाम. नाम नेमिंग में पहले किसका नाम आएगा, कैटायन का, फिर क्या आएगा, एनायन का. Na3AsO4, अभी यहाँ पे देखो Na3AsO4 पूरा आर्सेनेट, ये क्या है, नेगेटिव आयन है, AsO4, Na3AsO4, तो Na3 सोडियम आर्सेनेट. बिस्मत CO3 कार्बोनेट, Bi2CO3 2. कुछ फॉर्मूले हैं, आपको बना के देखो, आपको बनाने आएंगे ऐसे कुछ फॉर्मूले, उसको क्या करो, मगअप करो, ताकि आपको जल्दी से लिखने का कुछ फॉर्मूले ऐसा टाइम, हर एक फॉर्मूले बना बना के लिखो क्या वहाँ पे, नहीं ना, जैसे को टेबल अभी पहले बोलते तो अभी कैलकुलेशन कुछ होती है प्लस माइनस की, फटाक से आप कर सकते हो, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस की है. ऐसे कुछ फॉर्मूले की आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो सबके सब फॉर्मूले आपको बराबर याद रहेंगे. NiO निकेल ऑक्साइड, K4FeCN6 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड टाइप का है, कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पे लिखो उसके ब्रैकेट FeCN6, उसके बाहर एक आपको ब्रैकेट दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये टाइप की जो कंपाउंड उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट. इसका एक अलग सा एक टॉपिक ही है, अलग सी इसकी दुनिया है, अलग सी इसकी लैंग्वेज है, तो हम वहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. आयनिक बॉन्ड देखा आपने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखा, वैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. K4FeCN6 यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड. नेक्स्ट एनायन, द एनायन इन NH4 2CO3. अब यहाँ पे एनायन कौन है, कैटायन कौन, आपको याद रखना है एनायन कौन कैटायन कौन मालूम होना चाहिए. एनायन के जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और कैटायन के जिसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, तो बोल सकते हो आप यहाँ पे कौन होगा, NH4+CO3 2- या CO3-1 NH4+2. दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टू यू, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसके ऊपर आपका ये समझ लो थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का टेस्ट. ओके, तो बोलो यहाँ पे आपको SeO3 और NH4 ट्वाइस है, तो यहाँ पे एनायन इन, यहाँ पे एनायन जो उसके ऊपर एनायन तो कहते हैं आपको पता है, यहाँ पे NH4+ पॉजिटिव है, NH4 है पॉजिटिव है, CO3 नेगेटिव है, लेकिन इनका चार्ज क्या होगा, प्लस होगा या माइनस, प्लस टू होगा, प्लस वन होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू होगा, ये आपको ढूंढना है. कैसे ढूंढेंगे, देखो आपको यहाँ पे CO3 एक कॉम्पाउंड कैसा है, ये CO3 कैसा है, कॉम्पाउंड रेडिकल है, CO3 है, CO3 के ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, 1, और 1 किसका वैलेंसी होगा, NH4 का, NH4 क्या बनेगा, +1 बनेगा, +2 बनेगा, +1 बनेगा, +1 2 बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, राइट, सही सोच रहे हो, यस राइट, योर एक मिनट, एनएन सॉरी एनएन क्या बोला, एनएन के यहाँ पे CO3 है, मैंने कैटायन का बोला CO3 है, CO3 क्या होगा, 2- होगा, बराबर है, 2 चार्ज, 2 इसका पॉजिटिव है, 2 किसका, NH4 के लिए 2 गया, मतलब उसके लिए वहां पे क्या होगा, माइनस CO3 2, सॉरी यहाँ पे मैंने कैटायन का बोला. नेक्स्ट देखो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका दिया, NH4CO3 यानी कि ट्वाइस ऑफ NH4+ CO3 2- बनेगा, यानी कि एनायन कौन है यहाँ पे, CO3 2-. ओके नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड जो आपको टेबल दिया था, टेबल से आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, वो करके देखो वहां पे, तो आपको यहाँ पे इसका फट से आंसर आएगा. फेरिक क्लोराइड FeCl2 FeCl3 FeCl, आपको बोला फेरस, फेरस के साथ वेरिएबल बैलेंस दिखाता है, उसका +1 भी है, +2, फेरस कब बोलोगे, फेरिक कब बोलोगे, देखो फेरस कब और फेरिक कब बोलेंगे, जहां पे Fe2+ तो फेरस बोलेंगे, Fe3+ है तो क्या बोलेंगे, Fe3+ के लिए क्या बोलेंगे, फेरिक बोलेंगे, याद रखो Fe2+ तो फेरस, Fe3+ तो फेरिक, Fe3+ केस में फेरस और क्या, फेरिक. क्रिस क्रॉस कर दिया यहाँ पे, क्रिस क्रॉस करने से आपको FeCl3 Fe3 है,
फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम का वैल्यू कितना होता है, 2NO3 का क्या होता है, अभी आपने देखा होगा, तो आपका ऑप्शन है MgNO3, MgNO3 ट्वाइस, MgNO2, MgNO3 ट्वाइस, मैग्नीशियम वैलेंस पक्का 2 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 और 4 ऑप्शन इसमें से दोनों में से एक आ सकता है। एंड नाइट्रेट, नाइट्रेट का NO2 है या NO3 है, NO3 या NO2, यहाँ पे आपको ढूंढना है क्या होगा, यहाँ पे देखो NO3 नाइट्रेट लिख के दिया, टेबल में चेक करो आप NO3 क्या हो गया, नाइट्रेट। ओके Mg2 प्लस NO3 माइनस। फॉर्मूला ऑफ अल्यूमिनियम कार्बाइड, कार्बाइड को लिया C4, अल्यूमिनियम का Al4 C3 बन जाएगा क्या नहीं बनेगा बोलो, अल्यूमिनियम के लिए 4 बनेगा क्योंकि वैलेंसी कार्बाइड का कितना है, 4 है, तो फॉर्मूला फर्स्ट Al4 C3 ही बनना चाहिए, यस ओके Al4 C3, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है। व्हाट इज द चार्ज ऑन ऑक्सीजन आइटम इन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के ऊपर चार्ज निकालना है, ऑक्सीजन आइटम के ऊपर चार्ज क्या होगा वो निकालना है, -1 -2। कोई स्टूडेंट यहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट ने केमिस्ट्री पढ़ा है थ्रू मी जितना भी साल में, तो उनको पता होगा पेरोक्साइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, एंटी पेरोक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, राइट, ये आपने देखा होगा। तो वहां पे इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, देखो पेरोक्साइड यानी कि H2O2 O2 माइनस यानी कि -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, दो ऑक्सीजन, तो O2 के केस में 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर यानी कि -2 होगा, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होगा -1, पेरोक्साइड केस में कितना था -1, सुपर ऑक्साइड हो और -1/2। O- टोटल कितना हो गया -1। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइट्राइड आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, वहां पे उसके नाइट्राइड आयन के ऊपर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन वो देखना है आपको, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखो N-3 है, टोटल नाइट्रोजन के ऊपर कितने होते हैं, टोटल इसके पास कितने हैं 7 है, 7 इज एटॉमिक नंबर, जब N-3 बनेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा, तो आपको 3 और वो 7 कितने हो गए 10, तो 10 इज अ करेक्ट नाइट्राइड आयन, इसका आपने लास्ट लेक्चर में भी वहां पे देखा होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन के। फॉर्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको बायोएटम प्रोडक्ट से बोल सकते हैं, जिसको नहीं है बना के बोल सकता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, सम दिमाग में बैठ गया तो पटक से बोल सकते हो K2Cr2O7, या नहीं आता है तो फॉर्मूला बना के आपको टेबल दिया है वहां पे K2Cr2O7, पोटेशियम का वैलेंसी कितना है 1 है, Cr2O7 डाइक्रोमेट है उसका वैलेंसी 2 है, इसका 1 है, तो क्या बनेगा K2Cr2O7, क्रिस क्रॉस आपको यहाँ पे दिखा दिया, उसी टाइप में आप बना सकते हो। कुछ आपके लिए एक्टिविटी है, थोड़ा सा आप इसको कर देना, एक्सप्रेसिंग मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन इज रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सोलूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेशन जैसा कि 100 ml वाटर लिया उसके अंदर 10 g वाटर डाल दिया, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जानना है आपको, मतलब कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब यहाँ पे सॉल्ट कौन है, सोल्यूट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, इससे क्या बन गया सोल्यूशन, मतलब रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इससे रिलेटेड है। देर आर मेनी मेथड्स एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारे मेथड्स है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो अलग अलग आपको मेथड मिलेंगे, इसमें से पहला मेथड है मोलैरिटी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, वन ऑफ मेथड एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन इज द मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी, मीन्स मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एंड 10 g ने सॉल्व दिया उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, सपो 10 नंबर ऑफ मोल्स है, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन किसमें चाहिए, लीटर में चाहिए, इन लीटर यानी हाफ, जो 500 ml दिया है तो क्या हो गया 1/2 liter हो गया, यानी जो वॉल्यूम कैसा चाहिए आपको लीटर में चाहिए, सोल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूशन मतलब
सोलूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स करेंगे तो आपको क्या बनता है, सोल्यूशन बनता है, तो उसका वॉल्यूम चाहिए, याद रखना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन अ लीटर। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। ओके, क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसका यूनिट क्या, देखो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या है, मोल, लीटर वॉल्यूम का क्या है, लीटर, इसलिए यूनिट क्या बनेगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर बोलो या मोल्स लीटर रेश टू माइनस वन बोलो। इफ नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। इफ सोल्यूशन इज अ डायलूटेड देन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, डिक्रीजेस। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज। सॉल्ट है, आपने क्या किया, 10-20 ग्राम सॉल्ट डाला है, तो उसका टेस्ट, और 20 ग्राम, 1 लीटर में कितना 20 ग्राम है, और उसके अंदर और 1 लीटर वाटर डाल दिया, तो उसका क्या होगा, मतलब 2 लीटर में कितना 20, मतलब 1 लीटर में कितना हो गया 10 ग्राम, मींस क्या हो गया, सॉल्यूशन डाइल्यूट बन गया। उसका जो टेस्ट है, सॉल्टनेस क्या होगा, कम होगा। सॉल्टनेस का मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम। इफ द सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, इवेपोरेट करने से क्या होगा, कौन निकल जाएगा, सॉल्यूट निकलेगा या सॉल्वेंट निकलेगा, सही में सॉल्वेंट ही निकलने वाला है, राइट ना, सॉल्वेंट का इवेपोरेशन होगा और सॉल्यूट तो बचेगा उसके अंदर, मींस इफ द सॉल्यूशन इवेपोरेटेड कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट इज मोर इन प्रोपोर्शन। जैसा इवेपोरेशन करने से इसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, निकल जाएगा। ओके, सबको क्लियर है। आज का जो लेक्चर है किसके ऊपर लिया, फॉर्मूले के ऊपर लिया, लास्ट में आपको और एक टॉपिक क्लियर किया यहाँ पे मोलैरिटी के बारे में, जो आपको सही काम है, सही मायने में हर बहुत सारे यहाँ पे केमिस्ट्री पार्ट वन जो है, यानी ईयर ऑन ईयर केमिस्ट्री, वहाँ पे बहुत जगह पे आपको काम देने वाला है। और ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना और इसके प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखो, इसको वापस रिपीट करो, हर एक पॉइंट को लिखते जाओ, नोट्स बनाओ, और आपके नोट बाहर के ऐसे नोट्स यूज करने से आपको जो मैं दे रहा हूँ परफेक्ट नोट्स दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपको बहुत ही काम का है। तो आप अपनी नोट्स खुद की बनाओ, ये आपको बेस्ट है, आगे बहुत काम आएगा, फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, यस बाय। Thank you.